पार्टियों ने उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा दिया है, किसी पार्टी ने सरकार बनने का जब भी उसको मौका मिला उत्तर प्रदेश की शिक्षा को ऊपर उठाने का काम नहीं किया, गर्त में ले जाने का काम किया। और पिछले 5 साल में देखें तो और बुरी हालत हो गई है उत्तर प्रदेश की शिक्षा की। अभी तक लोगों के पास विकल्प नहीं था, आम आदमी पार्टी सरकार में आएगी, जैसा हमने दिल्ली में शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं, और दिल्ली की शिक्षा की व्यवस्था जो 2015 तक बुरी तरह से लड़खड़ाई हुई थी, लचर थी, उसको केवल 5 साल में इतना शानदार कर दिया कि आज देश और दुनिया भर के लोग रिसर्च करने आ रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में, मैं उत्तर प्रदेश के लोगों से आज यहाँ अपील करने आया हूँ कि उत्तर प्रदेश में भी अपने वोट की ताकत शिक्षा को दीजिए, शिक्षा की राजनीति को वोट करिए, और आपको अपने बच्चों की शानदार शिक्षा मिलेगी, आम आदमी पार्टी की गारंटी है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो पहले साल से उत्तर प्रदेश के बजट का 25% कम से कम 25% शिक्षा पे खर्च किया जाएगा। ये हमने दिल्ली में किया है, उत्तर प्रदेश में भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाया जाएगा, ये दिल्ली में भी किया है, यहाँ भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के कॉलेजों को उनकी फीस को रेगुलेट करके, उत्तर प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों की फीस को रेगुलेट करके शानदार बनाया जाएगा, ये हमने दिल्ली में किया है, उत्तर प्रदेश में भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पूरे दिल्ली में, पूरे भारत में किसी भी एयरपोर्ट पर चलाइए बोर्ड लगवा रखे हैं, उत्तर प्रदेश नंबर 1। लेकिन उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था जिस तरह से व्यापारियों की सरेआम पुलिस की गुंडागिरी से, प्रशासन की मिलीभगत से हत्या कर दी जा रही है, उससे समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश कानून और व्यवस्था नहीं बल्कि कानून और व्यवस्था के खराब होने में नंबर 1 पर है। व्यापारी सुरक्षित नहीं है, व्यापारी एक शहर से दूसरे शहर में व्यापार करने आता है तो पुलिस की मिलीभगत से उसकी हत्या कर दी जाती है, सरेआम हत्या कर दी जाती है, और फिर डीएम और एसएसपी उसको मामले को रफा दफा करने के लिए धमकाते हैं परिवार को। आज मैं मांग करता हूँ कि इस जघन्य हत्याकांड की योगी सरकार कभी भी निष्पक्ष जांच नहीं करा सकती, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, और साथ साथ क्योंकि ये सरकार द्वारा की गई हत्या है, सरकार द्वारा कराई गई हत्या है, एक व्यापारी की हत्या है, पूरे प्रदेश के व्यापारी वर्ग में इस बात को लेकर डर है कि हम किसी और शहर में व्यापार करने जाएंगे तो हमारे साथ ये होगा। सरकार उनके साथ खड़े होने के लिए पीड़ित परिवार को 5 करोड़ रुपये का मुआवजा तुरंत दे और इसकी जाँच सीबीआई को सौंपे। सर पंजाब में जो रहा उसके बारे में रिपोर्ट किया कि कैसे उत्तर प्रदेश के एक शहर में मिड डे मील के नाम पर नमक तेल दी जा रही है, तो सरकार बगले झांकती, सरकार ये सोचती कुछ गलत हो रहा है। स्कूल में बैठ के बच्चियां खाना बना रही थी, स्कूलों में टॉयलेट नहीं है। आज आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लड़कों को आप 6-7-8 घंटे के लिए पढ़ने बुला। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में महिला शिक्षकों ने सरकार से मांग की है कि मेंस्ट्रुएशन पीरियड के समय, ये तो हालत नहीं है, डेस्क नहीं है, बेंचेस टूटे फूटे पड़े, लैब का बुरा हाल, लाइब्रेरी का सबका बुरा हाल है। सब महिला शिक्षा मित्रों ने तो सर मुंडा के, सुहागिन शिक्षा महिलाओं ने, शिक्षा मित्रों ने, शिक्षक शिक्षिकाओं ने सर मुंडा के विरोध। बात करते हैं उत्तर प्रदेश नंबर 1 की, और हालत यह है कि 2016-17 में उत्तर प्रदेश का जो शिक्षा बजट था घट, उत्तर प्रदेश के 40% स्कूलों में, मैं कोई रिपोर्ट देख रहा था, 40% स्कूलों में बिजली नहीं पहुंचती, प्राइवेट स्कूलों की फीस लगातार बढ़ रही है, मजबूर होके प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ रही है, लेकिन मजबूर होके पेरेंट्स अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूलों से निकाल निकाल के प्राइवेट स्कूलों में डालने के लिए मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते थे और 40% प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते थे, योगी सरकार की राजनीतियों के बिना चल रहे हैं, रिसर्च की तो बात ही मत करिए क्या रिसर्च में हो सकती है। तो ये सब बात इसलिए की क्योंकि आज तक उत्तर प्रदेश की जनता के पास